सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकली डिशो ड्रेस चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये मैं लोगो लगाया हूँ जो चैनल पर लगा हुआ है, ये लगाया क्योंकि नाम हमारा चैनल का बहुत बड़ा है, इसलिए मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, तो इसलिए मैं ये लोगो लगाया हूँ। तो ये आज मैं सिखाऊंगा स्लीव डिज़ाइन जो बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए इसका मैं आज कटिंग भी और स्टिचिंग भी दोनों सिखाऊंगा। तो ये सीखने के लिए लास्ट तक ये वीडियो देखना होगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी जैसे कि आपको आर्मुल प्रॉब्लम हो, सूट का तीरा प्रॉब्लम हो, तो दोस्तों मैं इसका मैं वीडियो बना रखा हूँ। 26 साइज से लेके 48 साइज तक मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप ये डिस्क्रिप्शन में ये आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप बहुत बेहतर तरीके में बताया हूँ आर्मुल लेंथ कितना रखना है और किस गले के हिसाब से तीरा कितना रखना है ताकि तीरा ना गिरे। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैं बाजू कट चुका हूँ, इसका बाजू का लंबाई दोस्तों ये इसका जो बाजू रहेगा ये 15 इंच में कटिंग किया हूँ, तो इसका मैं 14 इंच तैयार रखूँगा। देखिए ये हमारा हिस्सा जो है, ये देखिए ये पॉइंट जो हमारा होता है इस जगह पे हमें इसे बांध देंगे, ठीक है। इस यहाँ पे हमारा लंबाई आना चाहिए बाजू का, तो इसके बाद हमारा ये पूरा बेल स्लीव जैसा रहेगा। तो ये मैं बाजू कटिंग कर चुका हूँ, तो आइए आप जानते हैं बेल स्लीव कटिंग कैसा होगा। एक वीडियो मेरा इस पर भी आएगा बेल स्लीव वाला, जो बेहतर तरीका है उसका मैं बताऊंगा। दोस्तों देखिए ये मेरा ये है, ये कम से कम हमें इसका फ्रिल 8 इंच रखेंगे, नॉर्मल इसके 14 इंच के बाद 8 इंच रखेंगे। ये मैं 18 इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे कपड़े में, और इस तरह से मैं 18 इंच में कटिंग करके रखा हूँ, इस तरह से कर लेंगे 18 इंच और 18 इंच। और देखिए ये जो कोना है मेरा और ये कोना, इस तरह से हम निशान लगाएंगे, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और एक इधर से निशान लगा लेंगे। ये होता है क्या दोस्तों, हमें पूरा राउंड गोल चाहिए और हमारा जो बाजू चलेगा ये भी हमें थोड़ा गोल चाहिए, तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे। दोस्तों इस तरह से निशान लगा चुका हूँ मैं। और ये देखिए ये हमें इसका साइज है, हमारा जो बाजू का इस जगह पे है, इस जगह पे मेरा साइज है 10 इंच टोटल। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस तरह से हम 20 जो मेरा सेंटर है इस जगह पर हम इस तरह से 1.5 इंच लगा लेंगे निशान चारों साइड। दोस्तों अगर ये अगर मैं 1.5 लगा रहा हूँ तो ये होता है क्या, ये 2.5 हो जाता है, 1 इंच गोलाई में बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मैं 1.5 लगा रहा हूँ तो ये मेरा 2.5 होता है, 2.5, 5, 7.5, 10 हो जाता है। 1.5 लगाता हूँ तो ये 2.5 हो जाता है एक पल्ला। अगर मैं ये 3 लगाऊँ, ये सॉरी 2 लगाऊँ, ये जैसे कि मैं 1.5 किया था, अगर मैं ऐसा 2 करता हूँ तो ये 3 हो जाता है, मतलब 1 इंच में प्लस हो जाता है। तो इस हिसाब से आप कटिंग करेंगे। अगर आपका ये 10 हो तो आप 1.5 लेंगे, ठीक है, तो 1 इंच ही बढ़ जाएगा। जैसे कि ये देखिए मैं ऐसे 1.5 लिया था तो ये 2.5 इंच हुआ ऐसे में, इधर से मैं 1.5 लिया, इधर से मैं 1.5 लिया। इस पर अगर मैं निशान इस तरह लगाता हूँ, देखिए ठीक है दोस्तों, ये हमें गोल चाहिए, और इस तरह से हम इसको नापते हैं तो ये मेरा 2.5 आता है, ठीक है, 2.5 आता है। अगर मैं इसको 2 नापता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं 2 नापता हूँ इसको, फिर इसे निशान लगाता हूँ तो ये मेरा 3 हो जाता है, तो 1 इंच में प्लस हो जाता है। इस हिसाब से आप कटिंग करें, जितना भी आपका नाप होगा उसे 1/2 इंच रखें कम तो 1 इंच प्लस हो जाएगा। ये देखिए इसे मैं 2 लिया था, ये 3 हो गया है, इस तरह से 1 इंच प्लस हो जाता है। तो ये इस तरह से हम कर लेंगे, और जो मेरे इसका बाजू का लंबाई रखेंगे फिर ये बेल स्लीव जो होगा तो इसका हम रखेंगे 7.5 कर लेते हैं, थोड़ा कम हो गया, 7.5 ही कर लेते हैं, ये सिर्फ दोस्तों इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको गोलाई कर देंगे, ये भी हमें गोल चाहिए। ये
इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमें पूरा गोल चाहिए और इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। आपका मर्जी हो, ये थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, 9 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बांधा जाता है। लेकिन बाजू मेरा 13-14 होगा, जैसे मैं बताया था इस पॉइंट में, ये पॉइंट तक मेरा लंबाई रखना है। किसी का हाथ बड़ा हो छोटा हो, उस हिसाब से आप नाप ले। यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। दोस्तों ये जो आप कटिंग करेंगे, ये बाजू जितना मोड़ी है मेरा, उससे एक सूत कम हो पर ज़्यादा ना हो। ये हम खींच के लगा सकते हैं तो हमारा बैल जैसा स्लीव अच्छा बनेगा। अगर हम ये हमारा छोटा रहेगा तो, भरा रहेगा तो ठीक नहीं बनेगा। दोस्तों इस तरह से हम गोल काट लेंगे। अब इसको हम नाप के देखेंगे, अगर हमारा कम होता है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले बड़ा नहीं काटना है। ये 2.5 है, 2.5, 5, 10, मेरा ये पूरा ठीक आएगा। अगर कभी ये बड़ा हो जाए तो 1/2 इंच, 1/2 इंच से बड़ा हो जाए, 1/2 इंच अगर बड़ा हो जाता है तो इस पर हम सिला लगा के 1/2 इंच कम कर सकते हैं। 1/2 इंच तो कम हो जाएगा। अगर बड़ा करना हो तो इसको हम कटिंग करना काट इस तरह से हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। और इसको अभी हम गोलाई चाहिए साइड में भी, तो इस तरह से ये मेरा बैल दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम तो ऐसे बांधेंगे। और ये मेरा जो बाजू में दिखाया था, ये मेरा सिंपल बाजू है दोस्तों। इसको क्या करें, हम ऊपर से इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा देंगे। 3 इंच पे कम से कम मेरा 2-2.5 इंच इधर बंद रहेगा। और यहाँ पे हमें कम से कम जहाँ पूरा पूरा है ये मेरा है, आप चाहे तो इसको कम भी रख सकते हैं गैप, ये जो पूरा ओपन है कम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 11:30 तक खुला रखूँगा। ये जो बीच में थोड़ा ओपन है वो क्या होगा, हाँ तो हम अगर ऐसे करेंगे तो ये मेरा खुल जाएगा, ये पॉइंट जो मेरा थोड़ा खुल जाएगा। अगर हम उसको बड़ा रखते हैं तो उसमें क्या करेंगे, इस जगह पर हमें सुई से अटैच भी कर सकते हैं, तो 1 इंच गैप डाल के, नहीं तो ये हमारा जैसे हम पहनेंगे यहाँ पर हमारा थोड़ा टाइट करके बांधना पड़ेगा डोरी से, तो ये हमारा ठीक आएगा। इसमें 2 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम इसको 20 सेंटर में इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मेरा 8 बंद हो जाएगा और यहाँ पे मेरा वो कस के बांधना पड़ेगा। मैं इसके लिए मैं एक डोरी बनाया हूँ, अगर आपको डोरी नहीं बनाना आता है तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। वो बटन कैसे, बटन फैब्रिक बटन सारे बताया हूँ, बटन के 2-3, 5-6 स्टाइल का बताया हूँ बटन। तो उस तरह से आप बटन भी बना सकते हैं और ये डोरी भी पलट सकते हैं मशीन की मदद से। और दोस्तों इसका जो ये कटा हूँ मैं, आप पता है इसको क्या बोलते हैं, ये आप चाहे सूट का भी कंट्रास्ट कर सकते हो, और कोई जो सूट का वर्क होता है सूट में वो वर्क का भी आप कंट्रास्ट इसमें बना सकते हो वर्क है। और जो अगर आपका 4 कलर है तो 4 कलर के भी दे सकते हो इस तरह से। अगर 1 कलर वर्क है तो आप सूट का और वो कलर का दोनों का मैचिंग कर सकते हो। तो मैं इसमें आपको 4 कलर में दिखाऊँगा बना के। ये डोरी कम से कम हमें, कम से कम दोस्तों ये 25 इंच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कम से कम 25 इंच तक हमें लंबाई होना चाहिए। तो आइए आप चलते हैं मशीन पे। दोस्तों इस जगह पे 3 इंच का इसे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हमें 1/2 इंच इस तरह से बाजू में मार्जिन रखना पड़ेगा। जब हम कटिंग करेंगे थोड़ा मार्जिन रखना, इसमें मार्जिन रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको डबल सिलाई से इस तरह से लगा लेंगे। और ये सेट हमें दोस्तों जितना हमारा मार्जिन लेगा बाजू, हाफ लीटर इस तरह से कर लेंगे। मेरा ऐसा हो जाएगा। और जिस दोस्तों इसको हम इस तरह से इस पर हम सिलाई लगाएंगे। बस इसमें हमें परेस से क्रीज बना देना है। आप इसमें सेम धागा से इंटरलॉक भी कर सकते हो।
ताकि बाहर ना दिखे। अगर पतला कपड़ा है तो दिखेगा, अगर मोटा कपड़ा है कॉटन तो नहीं दिखेगा। आप इंटरलॉक कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से हम सूट का नाप ले लेंगे, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और जितना मेरा मोरी है बाजू का, मैं 10 बताया था, तो 10 इस तरह से निशान लगा लेंगे। और दोस्तों इस जगह पे हमें फिटिंग रखना पड़ेगा, जितना मेरा फिटिंग है इस जगह पे हमें लूज नहीं पूरा फिट चाहिए। यहाँ फिटिंग कैसे आएगा दोस्तों, आप मेजरमेंट वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, आपको ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे नाप कैसे लेंगे, तो उसको कितना माइनस प्लस करना है वो आपको आप वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। कैसे नाप लेते हैं मेरे तरीका से आप सीख सकते हैं, मेरे तरीका से स्टिचिंग कटिंग सब पूरा अच्छे तरह से कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छे तरह से बताया हूँ। दोस्तों इसका नाप ऐसे मैं कर देता हूँ, इस तरह से इसमें हम सेव दे देंगे। तो ये कट चुके हैं, दोस्तों ये है मेरा सीधा, और ये जो है ये ऐसे इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। दोस्तों ये मेरा अभी सीधा पल्ला है, और ये मैं बाजू सीधा कर चुका हूँ। ये जो मेरा एक सेंटर है, ये देख रहे हैं ये मेरा सेंटर है, तो इसको क्या करें, जो हमारा मुड़ी है तो इस जगह पे ये कहीं पे आप सेंटर कर सकते हैं, कि इसमें जॉइंट वॉइंट कुछ नहीं है, जोर नहीं है। तो इस जगह पे ये जो डोरी में बताया था 25 इंच करीब, जितना आपको ठीक लगे उतना रख सकते हैं। तो एक हम इसको क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है इसको नीचे रखेंगे, एक हम नीचे रखेंगे, एक ऊपर से रखना है। ये जो मेरा बेल जैसे स्लीव है, ये जो आप देख रहे हैं, एक नीचे से रखना है इस तरह से, और एक ऊपर से रखना है, दोनों एक जैसे रखना एक जगह पे। चाहे तो आप इसको इस तरह से अटैच कर दे पहले तो बेहतर है, ये भाग जाता है। ये जो मेरा है, ये जो मोरी का जो सेंटर है, ये पॉइंट हमें इस जगह पे चाहिए। ये पॉइंट को इस तरह से कर लेना है। ये जो है ये सीधा था, बाजू भी सीधा है, और ये दोनों ऊपर लुप्पी नीचे करके इस तरह से सेंटर में इस तरह से रख लेंगे, और ये जो हमारा है इस तरह से कर लेंगे, ताकि हमारा सिलाई मारने में आसान हो। ये आपस में दोनों ये बराबर चाहिए। ये जो होता है मार्जिंग बाजू में दोस्तों, इसको बहुत ही आराम से पूरा ऐसे फोल्ड करना है, इसको हमें यहाँ मार्जिंग नहीं चाहिए, पूरा साइड कर देना है। दोस्तों ये सिलाई लग चुका है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना, जो मैं ये बेल ये फ्रिल काटा था, जो एक्स्ट्रा था बेल जैसा जो फ्रिल है, वो नीचे रखना है, बाजू ऊपर रखना है, ठीक है, नहीं तो वो बाजू जो होता है ना वो बड़ा हो जाता है। मैं बाजू अटैच करना भी बहुत अच्छे तरह से बताया हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा से फिनिशिंग इस समय बता रखा हूँ, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए इस तरह से दिखेगा, और दोस्तों इस पर मैं वो ये लगा के दिखा रहा हूँ, इसको पता नहीं आप क्या कहते हैं, ये मैं लगा के दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये जो मैं काटा हूँ, इसमें देखिए दो ऑप्शन है, कोई ये होता है क्या, इस तरह से करने के बाद इस तरह से करता है, ये मतलब खुला खुला सा ये निकलता है,
ठीक है। ये इसमें अगर आप चाहोगे घूम करना, अंडरग्राउंड करना कि हमारा कचरा नहीं दिखे बाहर, तो इसको ये जो काटा हुआ है इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। और ये साइज जितना जितना भी आप लगाओगे सबका साइज एक होना चाहिए, तो इस तरह से लगाएंगे। जितना आप बड़ा काटोगे उतना ये बड़ा बनेगा, जितना आप छोटा काटोगे उतना छोटा बनेगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे आप नाप सकते हैं कि हमें कितना दिखाना है, इस जगह पे हमें नाप सकते हैं। तो ये मैं 1.5 सिरे लगा रहा हूँ, इस तरह से कर लेंगे। ये जो मेरा बचा है देखिए, देखिए दोस्तों ये इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये है डबल में, पहले मैं ऐसे किया था फिर रख के इसको ऐसे किया था, ये अभी ऐसा है। तो इसको क्या करें, ये जो मेरा बचा है एक्स्ट्रा जो कोना है इस तरह से हम नीचे कर लेंगे। ये हमें गैप देखना है कि इसका जो मुंह है ये कितना रखना है, ये ज़्यादा नहीं 1.25 इंच कर ले, इसको पक्का कर लेंगे। ये पॉइंट में हमें पक्का करना है और इसको इस तरह से काट लेंगे, ठीक है। ये देखिए आप कैसे दिखेगा, पूरा गुम हो जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, कोई भी कचरा नहीं दिखेगा, ये पूरा गोल हो जाता है इस तरह से। आप जितना बड़ा रख सकते हो कर सकते हो उतना बड़ा हो गए, ये हमारा कचरा नहीं होगा, पूरा गुम हो अंडरग्राउंड हो गया। तो इस तरह से मैं सारे में लगा के दिखा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं एक लगाया हूँ और ये जो कोई और दूसरा लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ये जो मेरा उल्टा है और ये सीधा है, ठीक है। इसको हम इस तरह से कर लेंगे, ये मेरा दोनों सीधा हो गया, ठीक है। और इसको हम जी ये मैं देख बताया था 3 इंच पे, ये सॉरी इस तरह से मैं बताया था, इस तरह से हम 3 इंच पे केप डाल के निशान लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम नीचे रखेंगे इसको और इस तरह से इसको ऐसे करेंगे। ये हमारा गैप का जो आएगा ये कम से कम बीच में 1 इंच हमें दिखना चाहिए लटकन। तो इस तरह से हम नाप लेंगे कि मेरा कहाँ पे आ रहा है, 3 इंच पे हमें सिलाई लगाना है। ये पॉइंट मेरा नीचे रहेगा इस तरह से, ये है इस तरह से हम ऐसे रखेंगे, ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। इस तरह से जहाँ मैं 3 नापा था इस जगह पर ऐसे रखेंगे, इस जगह ऐसे करके ये 3 इंच पे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह, ठीक है। और इस तरह से जो पहले बताया था इस तरह से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसको चाहे तो आप ऐसे काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी अंदर चला जाएगा। और देखिए इसको इधर ही रखना है, इधर से नहीं लगाना, नहीं तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा। इधर से ही रखना है, जैसे मैं ये पॉइंट हमारा इधर ही रखना है, इधर ऐसे इस तरह से लगाएंगे तो मेरा ये उल्टा हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट जो मेरा मुंह है इसका जो मुंह है ये ओपन वाला हिस्सा इधर रखना है, ताकि ये हमारा पलट के इधर नीचे आए। ठीक है दोस्तों, मेरा सारा सिलाई वाला जो भी है सारा अंदर ग्राउंड हो जाएगा इस तरह से। दोस्तों मैं लगा चुका हूँ, आप इससे बेहतर कंट्रास्ट कर सकते हैं, मैं ऐसे दिखाया हूँ। और दोस्तों ये जो है मेरा, ये देखिए एक ये ऊपर, उस टाइम में एक ऊपर एक अंदर रखा था, ये बांधने के लिए रखा था। ये देखिए एक ऊपर एक नीचे, ये बांधने के लिए यहाँ पे हमें टाइट बांधना होगा पहनने के बाद। और दोस्तों ये जो मेरा है ये अम्ब्रेला बना हुआ अम्ब्रेला जैसा, तो इसको मैं सलाह दूंगा इसमें आप पीको कराएं, बेहतर है आप इसमें पीको कराएं। जैसे ये है इसमें कोई भी आपको जो वर्क ज़्यादा हो उसका आप सेम उसी कलर का इसमें, जैसे कि ये मजेंटा है, नीचे मजेंटा है लटकन में, तो मजेंटा इसमें पीको कराएं धागे कलर का। अगर नहीं करा सकते तो इस पर जो हम इस पर हम क्या करें, इस पर सिला लगा लेंगे छोटा सा छोटा, ये जैसे कि कुर्ता देखे जीन्स कुर्ता, इस तरह से 2 सिलाई में हम लगा लेंगे। दोस्तों ये जो मैं सिलाई लगाऊंगा तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा उड़ेब होता है, ठीक है। तो इस पर हम ऐसे खींच के रखेंगे तो ये होगा जैसे कि हमारा पीको होता है ऐसे घुमा घुमा सा, वो डिजाइन बनेगा। अगर हम इसको खींच कर करते हैं सिलाई लगाते हैं तो हमारा घुमा घुमा सा आएगा। अगर हम चाहते हैं कि घुमा हुआ ना हो तो इसको हम पीछे मशीन के पीछे इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा ये लफना कम हो जाएगा। अगर आपको घुमा घुमा चाहिए तो खींच कर ऐसे सिलाई लगाएं इस तरह से, वो घुमा घुमा बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा खिंचाव खिंचा ना हो, नॉर्मल हो, तो आप ऐसे पीछे रख के जैसा ये सिलाई लगा सकते हैं। तो ये सिलाई पूरा कर लेते हैं।
दोस्तों मैं इस पर सिलाई लगा चुका हूँ, इस तरह सिलाई लगा चुका हूँ दोस्तों। और ये जो मेरा मोरी था इस पर आप सिलाई लगा लें किनारी पे, ठीक है। और ये जो मैं दिया था एक अंदर एक ऊपर, तो उसको जब हम पहनेंगे तो इस तरह से हम इसको बांध लेंगे टाइट से। ये मेरा इस तरह से ऊपर आएगा। और दोस्तों इस जगह पे जो है, इस जगह पे हमारा इंटरलॉक नहीं करना है, क्योंकि जब हम पहनते हैं इसको हम इंटरलॉक नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हम सेम धागा से करेंगे। और ये जो है हमारा ओपन है ज़्यादा, तो उसको क्या करें, अगर आपको ओपन है कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो इसमें हम क्या करें, इस जगह तक हम बंद कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 इंच तक भी बंद कर सकते हैं। ऊपर तो मैं बताया था 2.5 इंच तैयार रखना, 3 इंच ले लेंगे, यहाँ तक हम मतलब इसको छोटा कर सकते हैं। और ये हमें पूरा फिट चाहिए तो जब बेहतर लुक अच्छा अच्छा लुक आएगा, तो इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इंटरलॉक नहीं करना, हाथ ऊपर करने में ऐसे मोड़ने में इंटरलॉक हमें दिखेगा, अगर इंटरलॉक करना है तो हमें सेम धागा से करना है। इसमें अगर पीको करा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से हम बांध लेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, डिजाइन अगर अच्छा लगा हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।